उपयुक्त समय अमावस्या का दिन था। एक व्यक्ति उसी दिन समुद्र स्नान करने के लिए गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह किनारे बैठा रहा। किसी ने पूछा, स्नान करने आए हो तो किनारे पर ही क्यों बैठे हो? स्नान कब करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि इसी समय समुद्र अशांत है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। जब लहरें बंद होगी और जब उपयुक्त समय आएगा तब मैं स्नान कर लूंगा। पूछने वाले को हंसी आ गई। वह बोला, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली हैं? ये तो आती रहेंगी। समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर ही करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। यह हम सभी की बात है। हम सोचते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होगी, तभी अपनी संकल्पना के अनुरूप कोई सत्कर्म करेंगे, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को कभी मिलती नहीं। संसार तो समुद्र के समान है, जिसमें बाधा रूपी तरंगे तो हमेशा उठती ही रहेगी। एक परेशानी दूर होने पर दूसरी आएगी। जैसे वह व्यक्ति स्नान किए बिना ही रह गया, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता की राह देखने वाले व्यक्ति से कभी सत्कर्म नहीं हो सकता। सत्कर्म या किसी और शुभ कार्य के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो। प्रत्येक दिन और प्रत्येक क्षण सत्कर्म के लिए अनुकूल है। कोई परेशानी नहीं रहेगी तब सत्कर्म करूंगा, ऐसा सोचना निरी मूर्खता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचयः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याह विघ्नयः पुनः पुनर्पि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति। विघ्न के भय से जो कार्य की शुरुआत ही नहीं करते वे निम्न कोटि के पुरुष है। कार्य का आरंभ करने के बाद विघ्न आने पर जो रुक जाते हैं वे मध्यम पुरुष है, परंतु कार्य के आरंभ से ही बार बार विघ्न आने पर भी जो अपना निश्चित किया कार्य नहीं छोड़ते वही उत्तम पुरुष होते हैं।